Hello dear students, hope you all are fine, safe and healthy at your home and enjoying your online classes provided by your school. Today I, Surbhi Giroti, your science teacher, welcome you all in our school channel, Sims Official. As you all know that we are discussing chapter 10, Motion and Measurement of Distances. In this, we had discussed the story of transport and the topic, how wide is this disc? Today we will continue the third topic of this chapter, that is some measurements. Kuch? फर्स्ट वर्क इन ग्रुप आपको ग्रुप में वर्क करना है एंड ईच ऑफ यू डू दिस एक्टिविटी बाय वन और आप इसको वन बाय वन करेंगे आप अपने घर पर अभी तो आप अपने घर पे है ना आप अपनी फैमिली के साथ इसको कर सकते हैं ठीक है यूजिंग ऑर फूड एज अट ऑफ लेंथ आपको क्या करना है अपने फूड को एक लेंथ की यूनिट मानना है ठीक है आपका जो फुट है उससे आपको मीजरमेंट करना है तो आपको अपना एक फुट जो है उसको वन यूनिट मानना है मीजर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द क्लासरूम इसमें लिखा है ना आपको क्लासरूम की मेजरमेंट करनी है लेंथ और ब्रेथ बट आप क्या करेंगे अपने घर का कोई भी रूम उसको मीजर उसकी लेंथ और ब्रेथ आप मेजर कर सकते हैं इट इज पॉसिबल दैट वाइड मेजरिंग दीज यू मे फाइंड सम पार्ट रिमेन्स टू बी मेजर एज इट इज स्मॉलर देन योर फुट ऐसा हो सकता है कि जब आप मेजरमेंट करें तो आपका क्या करें कुछ पार्ट आपका रह जाए मेजरमेंट होने से क्योंकि वो आपके फुट के साइज से छोड़ा छोटा हो ठीक है यूज अ स्ट्रिंग फिर आप क्या करेंगे किसी स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पार्ट ऑफ योर फुट एज यू डिड बिफोर जैसे आप अपने फुट का ना फुट का आप कर लीजिए स्ट्रिंग के थ्रू कि उस आपका जो फुट है उस स्ट्रिंग का कितना पार्ट आ रहा है ठीक है जैसे आपने इसे पहले भी किया होगा आपने पहले इसे स्टडी किया था ना कि कैसे स्ट्रिंग से आपने डेस्क की डेस्क को मेज़र किया था वैसे ही आप अपने फुट को भी मेज़र कर सकते हैं ठीक है और फिर जब लास्ट में जो पार्ट रह जाए आपका रूम का मेजरमेंट होने से आप उस स्ट्रिंग को आप मान सकते हैं ठीक है रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल टेन पॉइंट वन ये आपको टेबल दी है इसमें आप इसको लेंथ को मेजर कर लेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा है ना यहाँ पे तो आप अपने नेम ऑफ फैमिली मेम्बर लिख लेंगे किसी का भी फिर लेंथ लिखेंगे क्लासरूम की फिर विथ लिखेंगे उसके फुट के अकॉर्डिंग जिसके फुट के जिसके फुट से आप मेजरमेंट करेंगे ना उसका नेम यहाँ पे लिखेंगे उसके फुट की लेंथ कितनी आई उसकी फुट की विथ कितनी आई नाउ कंटिन्यू विद एक्टिविटी टू इसमें भी आपको ग्रुप में वर्क करना है ईच ऑफ यू यूज योर हैंड स्पान एज अ यूनिट ऑफ मेजर द वे ऑफ द टेबल और अ डेस्क इन द क्लासरूम कि क्लासरूम में जो टेबल होती है या कोई डेस्क होती है आपके घर पे भी कोई टेबल होगा ना उसको आप मीजर करेंगे कैसे देखिए जैसे हैंड स्पान से कर रहे हैं ना अपने इसको आप एक यूनिट मानेंगे मेजरमेंट की ठीक है आप इसको फिर मीजर करेंगे यहाँ पे आप फिर अपना थंब रखेंगे फिर ये लास्ट वाली फिंगर आगे हो जाएगी ना इस तरह से आपको मीजरमेंट करना है हेयर टू यू मे फाइंड दैट यू नीड स्ट्रिंग लेंथ इक्वल टू योर हैंड स्पान एंड देन फ्रैक्शन ऑफ दिस स्ट्रिंग लेंथ टू मेक द मेजरमेंट यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि आपकी कुछ पार्ट रिमेनिंग रह जाए आपका मेजरमेंट होने से क्योंकि वो आपके हैंड से छोटा आ रहा हो हैंड बांध के आपकी है ना उससे छोटा आ रहा हो तो आप क्या करेंगे उसमें स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं देन फ्रैक्शन कर सकते हैं उसके वन बाई टू कर सकते हैं वन बाई फोर कर सकते हैं जितना आपका हैंड का मेजरमेंट आ रहा है ठीक है उसके अकॉर्डिंग फिर आप क्या करेंगे सारे ऑब्जर्वेशन को टेबल टू पॉइंट टेन पॉइंट टू में रिकॉर्ड करेंगे हु मीज़र द वेद ऑफ टेबल किसने मेज़र किया है ना इसमें आप अपनी फैमिली मेंबर्स के भी पर्सन का नेम लिख सकते हैं फिर नंबर ऑफ हैंडस्पैन कितने उनके हैंडस्पैन के नंबर्स आए ठीक वी सी दैट comparison of द unknown ऑफ एन some क्वांटिटी quantity. This दिस नोन quantity क्वांटिटी इज कॉल्ड unit. हमने क्या देखा measurement का means क्या है किसी भी unknown क्वांटिटी का से हमें कंपैरिजन करना है किसी नोन क्वांटिटी से देखिए आपने हैंड स्पान की लेंथ आपने देखी थी ना या आपकी नोन थी इस तरह आपने अपने टेबल की लेंथ को मीजरमेंट किया टेबल की लेंथ आपके लिए क्या थी अनोन क्वांटिटी थी आपने उसका मीजरमेंट किसी नोन क्वांटिटी से किया अपने फुट से किया या फिर अपने हैंड से किया या फिर आपने किसी स्ट्रिंग से किया दिस नोन फिक्सड यूनिट इज कॉल्ड अ यूनिट नॉन फिक्स क्वांटिटी को क्या कहते हैं हम यूनिट कहते हैं जैसे आपने यूनिट पढ़ी होंगी मैथ्स में भी किलोमीटर मीटर है ना हेक्टामीटर ये सारी क्या होती हैं यूनिट्स होती हैं द रिजल्ट ऑफ अ मीजरमेंट इज एक्सप्रेस इन टू पार्ट्स मीजरमेंट के रिजल्ट को हम टू पार्ट में एक्सप्रेस करते हैं वन पार्ट इज अ नंबर फर्स्ट पार्ट जो होता है वो उसका नंबर होता है द अदर पार्ट इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट और जो दूसरा पार्ट होता है उसका वो क्या होता है यूनिट होता है जैसे देखिए इसकी लेंथ आई वन मीटर तो हमने इसे टू पार्ट्स में लिखा तो वन जो है वो उसका नंबर है और जो मीटर जो है वो उसकी यूनिट है